अनिता, मैं सीधा क्वेश्चन के साथ शुरू कर रही हूँ और इसके बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन है, मैम, मैं ल्यूब्रिकेंट्स के बिना सेक्स नहीं कर पा रहा हूँ। हम दोनों को बहुत पेन होता है। अब पहली बात तो मैं ये सोच रही हूँ कि आप ल्यूब्रिकेंट के बिना क्यों सेक्स कर रहे हैं? आपके सवाल का जवाब इधर ही लिखा हुआ है। तो पहली बात तो आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? पर मैं ये भी सोच रही हूँ कि शायद ये चीज दोहरानी काफी जरूरी है, क्योंकि हमने 2 बार पहले इस पे पॉडकास्ट किया है। हमने बात की है कि ल्यूब्रिकेशन कितना जरूरी है सेक्स के लिए, इंजॉयबल सेफ गुड सेक्स के लिए। ल्यूब्रिकेंट स्पेशली फॉर वुमेन, ऑल्सो फॉर मेन, बट स्पेशली फॉर वुमेन बहुत जरूरी है। पर पता नहीं क्यों ये एक चीज है जो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रह रही है हमारे लिसनर्स के लिए। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिकॉज क्योंकि योनि का सूखापन, एक हम अगर शुरुआत से शुरू करें, सेक्स पेनफुल होगा, दर्दनायक होगा अगर योनि सूखी है, अगर उसके अंदर गीलापन नहीं है, तो पीनस का एंट्री उसके अंदर बहुत दर्द करेगा। मैं आदमी को भी दर्द होगा, औरत को भी दर्द होगा। योनि का गीला होना इज पार्ट ऑफ हैविंग सेक्स, वो बहुत जरूरी चीज है। और हम जैसे पहले बात कर चुके हैं, हजारों कारण होते हैं कि कई बार योनि गीली नहीं हो पाती। मेडिकल, फिजिकल, इमोशनल रिलेशनशिप, बहुत कारण होते हैं। इसलिए उसका सबसे आसान तरीका है लुब्रिकेशन। और इसमें कोई आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आपके अंदर कोई कमी नहीं है कि आप लुब्रिकेशन यूज कर रहे हैं। ये बहुत बहुत नॉर्मल चीज। तो इस बात पर हमारे बहुत कमेंट्स आए थे बहुत आदमियों से कि आई एम इनफ फॉर माय वाइफ, कि मेरी बीवी के लिए मैं काफी हूँ, उसे ल्यूब्रिकेंट की जरूरत नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगी कि ये आपके बारे नहीं है, ये आपकी मैस्कुलिनिटी पर आरोप नहीं लगाया जा रहा कि अगर औरत को ल्यूब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी जो फिजियोलॉजी है, जिस तरह से द बॉडी इज मेड, वजाइना को उतना उतनी कैपेबिलिटी नहीं है उतना ल्यूब्रिकेशन, उतना वेटनेस, उतना गीलापन प्रोड्यूस करने की, जितना अच्छे इंजॉयबल कंफर्टेबल सेक्स के लिए जरूरत पड़ती है। चाहे जितनी मर्जी एक्साइटेड हो एक औरत, वजाइना उसका उस तरह से गीला नहीं हो सकता। ये जो आप पढ़ते आए हैं ना, ये आप पोर्न में या किताबों में, कि वो इतनी गीली हो गई देख के ही, एक्साइटमेंट हो गई, वो 50 Shades of Grey में कितना लिखा हुआ है, ये असलियत में ऐसा नहीं होता। और ये नहीं कि आप एक्साइटिंग नहीं है, ये नहीं कि आप अट्रैक्टिव नहीं है, ये आपके लिए नहीं है। इट्स हाउ अ वुमन इज मेड। और ये हम कह कह कर थक गए हैं कि औरत के लिए ल्यूब्रिकेशन बहुत बहुत जरूरी है। एंड मैं ये किस तरह लोगों को समझाऊं कि इट्स नॉट अबाउट द मैन फीलिंग के इनसिक्योर, कि देखो वो ल्यूब्रिकेशन यूज करेगी तो मेरे बारे लोग क्या कहेंगे, ये आपके बारे की बात नहीं है। और मैं उल्टा कहूंगी कि जब आपकी खुश्की होती है, जैसे सर्दियों का मौसम है, और कितने लोगों की खुश्की हो जाती है, हम तेल लगाते हैं, हम क्रीम लगाते हैं, और इतने सारा तेल, मतलब आप कितनी बार ये हम सुनते हैं कि नारियल का तेल या सरसों का तेल लगाना ही लगाना है थिंग। अगर ये हम अपनी बॉडी के लिए कर सकते हैं, तो योनि के लिए क्यों नहीं? वहां पे भी खुश्की होना, ड्राइनेस होना बहुत नॉर्मल चीज है। कई बारी एज की वजह से होता है, कई बारी इमोशंस की वजह से होता है। तो अगर हम अपनी बॉडी का ख्याल रख सकते हैं और हम उसमें कोई बुराई नहीं सोचते हैं कि खुश्की हो गई तो तेल लगा दिया, तो फिर योनि के लिए क्यों नहीं? और इसका कोई कनेक्शन नहीं है, जैसे आप कह रहे थे मर्दानगी पे या इसके ऊपर के वो मेरे को पसंद नहीं करता, या वो मुझे पसंद नहीं करती, या मैं कर नहीं पा रहा, या मैं कर नहीं पा रही। ऐसा कोई कारण नहीं है, बहुत नॉर्मल है। मैं तो एक्चुअली, मेरे इतने दोस्त लोग हैरान होते हैं जब कोई कहता है कि वो बिना लुब्रिकेशन के सेक्स कर रहे हैं। कई लोगों के लिए इट इज एज कॉमन, इट इज एज मच एज कि हम हर रोज नहा के तेल लगाते हैं, वैसे ही वो सेक्स के पहले लुब्रिकेशन लगाते हैं। और हमें यही सोचना चाहिए कि यही रिश्ता है, आप सेक्स कर रहे हैं तो आप लुब्रिकेशन लगाइए, जैसे आप अपनी स्किन के लिए तेल लगाते हैं।
एंड आई थिंक एक चीज मैं इधर ऐड करना चाहूंगी कि अगर आप ल्यूब्रिकेशन भी लगा रहे हैं और कॉन्डम भी पहन रहे हैं तो ये ख्याल रखिएगा कि आपका ल्यूब्रिकेंट ऑयल बेस्ड नहीं होना चाहिए। ऑयल बेस्ड ल्यूब्रिकेंट के साथ कॉन्डम फटने का डर रहता है, फ्रिक्शन जरा ज्यादा कॉन्डम के लिए, जो लेटेक्स का कॉन्डम है उसके फ्रिक्शन ज्यादा बढ़ जाती है, फटने का डर रहता है। अगर आप कॉन्डम यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वाटर बेस्ड जेली, वाटर बेस्ड के वाई जेली, वाटर बेस्ड ल्यूब्रिकेंट लगाइए। बहुत सारे ऑप्शन है मार्केट में। और ये ना समझिए कि अगर आप ल्यूब्रिकेशन लेने जा रहे हैं, ल्यूब्रिकेंट लेने जा रहे हैं, तो लोग आपको अजीब तरह से देखेंगे कि देखो जी ये अपने बीवी को खुश नहीं रख पा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके और आपके पार्टनर दोनों के लिए बहुत लाभदायक है। और आज के दिन तो लोग कंपनीज लुब्रिकेशन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उससे ज्यादा मजा और ज्यादा प्लेजर आता है, उससे प्लेजर को ज्यादा करने के लिए वो क्रीम बना रहे हैं। तो आप अगली बारी ये सोचिएगा जब आप दुकान जा रहे हैं कि दुकानदार सोचेगा हाँ ये बहुत अच्छा सेक्स के अंदर इंटरेस्टेड है और अलग अलग चीजें करने के सोच रहा है या सोच रही है, तो इस बात पे मत घबराइए कि कोई प्रॉब्लम है। ऑल्सो अन्यथा आपके जो क्लिनिक वगैरह में तो मास्टरबेशन में भी तो आप कहते हो ल्यूब्रिकेंट के लिए। मैं अभी हाँ मैं ये भी बोलने वाली थी क्योंकि कई बारी जब हम मास्टरबेशन हम सोचते हैं कि ये जो सूखापन या खुश्की जो है ये खाली योनि की बात है, एक्चुअली पीनस के अंदर भी कई बारी अगर बहुत खुश्की हो या बहुत सूखापन हो तो उससे ना दर्द होता है बहुत, जब स्किन ऊपर नीचे जाती है तो बहुत दर्द हो सकता है और फिर स्क्रैचेस या जैसे कट्स भी हो सकते हैं, उससे बहुत लोगों को बहुत दर्द होता है। तो हम रेकमेंड करते हैं कि आप क्रीम लीजिए या कुछ लुब्रिकेंट लीजिए, तो अपने लिए भी पीनस पे लगाइए क्योंकि अदरवाइज ड्राइनेस खुश्की से उसके अंदर दर्द हो सकता है। बट अगर आप मास्टरबेट कर रहे हैं तो आप उस समय भी क्रीम लगा के अपने हाथ पे या पीनस पे फिर मास्टरबेट करिए, उससे कोई चोट पहुंचने का डर जो है वो कम हो जाता है। और हम अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे प्रॉब्लम है हम वो भी कहते हैं कि जब हम क्रीम लगाते हैं या लुब्रिकेशन लगाते हैं तो उससे योनि का रेप्लिकेशन होता है। कई लोगों को अब ये पॉडकास्ट उसके बारे में नहीं है बट कई बारी वो इजैक्युलेट ज्यादा जल्दी कर देते हैं, तो उसको हमें योनि का जो हम दिखाना चाहते हैं फील करने के लिए हम कहते हैं क्रीम लगाएं। बट मास्टरबेशन के लिए भी हम बहुत बारी कहते हैं कि आप क्रीम लगा के मास्टरबेट करिए, उससे पीनस को दर्द या चोट पहुंचने का कम चांस रहता है। एंड फाइनली ल्यूब्रिकेशन के लिए अ लॉट ऑफ पीपल थूक लगाते हैं, वो कहते हैं कि हम अपने सलाइवा से करेंगे। थूक इनफ नहीं है, उससे कुछ कुछ काम नहीं होता, उससे कुछ नहीं बनता, उससे कुछ प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन नहीं होती, दैट इज नॉट गुड इनफ। अभी अनविता बात कर रही थी क्रीम की, वो बात कर रही थी कि अगर आप मास्टरबेट कर रहे हैं तो ये क्रीम यूज करनी चाहिए, योनि के अंदर लगाने के लिए नहीं। उसके लिए स्पेशल ल्यूब्रिकेशन आती है, के वाई जेली इज वन ऑफ देम, और बहुत सारी डिफरेंट वाली आजकल आ रही है। इंटरनेट पर चेक कीजिए, अपने केमिस्ट के पास चेक कीजिए, दुकान से लेके आइए, जहां से मर्जी से, बट रिमेम्बर क्रीम मत लगाइएगा वजाइना और के अगर अंदर। आप जैसे कई लोग नारियल का तेल लगाते हैं कई बारी, बट नारियल का तेल अगर आप ले तो वो बालों वाला नहीं होना चाहिए बिल्कुल ही, उसके अंदर कोई केमिकल या कोई सुगंध नहीं होनी चाहिए। हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो केमिकल्स होते हैं या जो होते हैं वो योनि के अंदर नहीं जा सकते हैं, तो वो ध्यान रखिए कि आप कोई भी जो चीज ले रहे हैं वो लुब्रिकेशन हो जो योनि के लिए बनी है, और अगर आप कोई और चीज आपने पढ़ी है और आप यूज करना चाहते हैं तो उसके अंदर केमिकल्स ना हो, वो किसी तरीके से हार्म ना करे योनि को, तो ये ध्यान रखिएगा आप उसके बारे में। सो आई होप कि इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के बारे आप ये एक चीज जरूर बदलेंगे कि अगली बार आप सोचे कि ल्यूब्रिकेंट के बिना सेक्स करते समय दर्द हो रहा है तो आप ल्यूब्रिकेंट इस्तेमाल कीजिए। सेक्स के टाइम पर प्लेजर होना चाहिए, दर्द होने की जरूरत ही नहीं है। और अगर इतनी सिंपल सी बात से ठीक हो सकती है बात, तो फिर
वो क्यों ना करो। एंड एक्चुअली मैं चाहूंगी कि जब आप ये पॉडकास्ट सुनेंगे आप प्लीज मुझे मैं बहुत जानना चाहती हूँ कि लुब्रिकेट में खराबी क्या है, इतने लोग उससे डरते क्यों हैं, ये क्यों बोल रहे हैं कि इसमें मेरे को दर्द होता है, हम कर नहीं पाते, ये अंदर हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो प्लीज हमें लिख के भेजिए कि आपको क्या लगता है कि लुब्रिकेंट में क्या प्रॉब्लम है, और फिर हम भी उन चीजों का जवाब दे सकते हैं। बट आई वुड लव टू नो कि आप क्यों सोचते हैं कि लुब्रिकेंट एक बुरी चीज। That's a really good idea. Thank you for that, Anvita. So, जैसे अनविता ने कहा, please do like, comment, subscribe, और comments में ये जरूर लिखिएगा कि आपको lubricant से problem क्यों है या डर क्यों है कि लोग क्यों नहीं लगाते। हम जरूर सुनना चाहेंगे ताकि हम उन चीजों का भी जवाब दे सकें। In the meantime, take care of yourselves. फिर मिलेंगे।